अखिल भारतीय पुलिस जल क्रीड़ा प्रतियोगिता 2023 की मेजबानी का जिम्मा इस बार हिमाचल प्रदेश को मिला है और पुलिस की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जिला ऊना के उपमंडल बंगाड़ा के अंदरौली में आयोजित होगी। पुलिस की राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के पुलिस के साथ साथ अर्ध सैनिक बलों के 423 जवान गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ाएं कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। अंदरौली स्थित गोविंद सागर झील में ये प्रतियोगिता 2 मार्च को शुरू होगी और 6 मार्च को राष्ट्रीय प्रतियोगिता का समापन होगा। वहीं इस दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान वाटर स्पोर्ट्स के तहत आती विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। 22वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहे जिला ऊना के पुलिस कप्तान अरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि पुलिस की इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की पुलिस के साथ साथ आईटीबीपी BSF, BSSB सहित अर्धसैनिक बलों के जवान हिस्सा लेंगे। SP ऊना ने कहा कि इस प्रतियोगिता के आयोजन से इस क्षेत्र में न केवल खेलों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से भी आगे बढ़ेगा। 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, 6 मार्च तक अंदरौली ऊना में हिमाचल पुलिस मेजबानी करेगी ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की। ये चैंपियनशिप जो है इसमें कनूइंग, कयाकिंग, स्कलिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह की स्पोर्ट्स इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज होंगे। इसमें अभी तक 19 टीम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें ITBP, BSF, SSB, स्टेट पुलिस जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार इत्यादि जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। टोटल 423 जो है इसमें खिलाड़ी भाग लेंगे और ये 5 दिन जो ये इवेंट चलेगा, इसका आयोजन जो है अंदरौली में किया जाएगा। ये काफ़ी भव्य आयोजन होगा और इससे ना केवल स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा मिलेगा बल्कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो अंदरौली का एरिया है वो काफ़ी सुंदर और अच्छा है, तो उसको भी बढ़ावा मिलेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। अखिल भारतीय पुलिस जल क्रीड़ा प्रतियोगिता 2023 की मेजबानी का जिम्मा इस बार हिमाचल प्रदेश को मिला है और पुलिस की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जिला ऊना के उपमंडल बंगाड़ा के अंदरौली में आयोजित होगी। पुलिस की राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के पुलिस के साथ साथ अर्ध सैनिक बलों के 423 जवान गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ाएं कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। अंदरौली स्थित गोविंद सागर झील में ये प्रतियोगिता 2 मार्च को शुरू होगी और 6 मार्च को राष्ट्रीय प्रतियोगिता का समापन होगा। वहीं इस दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान वाटर स्पोर्ट्स के तहत आती विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। 22वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहे जिला ऊना के पुलिस कप्तान अरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि पुलिस की इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की पुलिस के साथ साथ ITBP, BSF, BSSB सहित अर्धसैनिक बलों के जवान हिस्सा लेंगे। SP ऊना ने कहा कि इस प्रतियोगिता के आयोजन से इस क्षेत्र में न केवल खेलों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से भी आगे बढ़ेगा। 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, 6 मार्च तक अंदरौली ऊना में हिमाचल पुलिस मेजबानी करेगी ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की। ये चैंपियनशिप जो है इसमें कनूइंग, कयाकिंग, स्कलिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह की स्पोर्ट्स इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज होंगे। इसमें अभी तक 19 टीम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें ITBP, BSF, SSP, स्टेट पुलिस जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार इत्यादि जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। टोटल 423 जो है इसमें खिलाड़ी भाग लेंगे और ये 5 दिन जो ये इवेंट चलेगा, इसका आयोजन जो है अंदरौली में किया जाएगा। ये काफ़ी भव्य आयोजन होगा और इससे ना केवल स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा मिलेगा बल्कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो अंदरौली का एरिया है वो काफ़ी सुंदर और अच्छा है, तो उसको भी बढ़ावा मिलेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है।